अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करते हैं, हाँ, मैं अपने महबूब या प्यार को अपने पास या अपने घर आते देखने की ताबीर के हवाले से। तो इस ख्वाब के देखने की मुख्तलिफ सूरतें और उनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं। अगर आप अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। ख्वाब में अपने महबूब या प्यार को अपने दोस्तों के साथ अपने पास या अपने घर आते देखना, ये दौलत, इज्जत व मर्तबा में अजाफा होने, मुश्किलात के दूर होने और दिली तमन्ना पूरी होने की दलील है। अपने महबूब या प्यार को अपने रिश्तेदारों के साथ अपने घर या पास आते देखना, ये घर में खुशहाली आने, वक्कार सरदारी पाने, बीमारी रंजो गम के दूर होने और दिल की हसरत पूरी होने की निशानी है। ख्वाब में अपने महबूब से शादी होने के बाद उसे अपने पास या अपने घर आते देखना, ये बिगड़े काम संवरने, शादी होने, दौलत वक्कार कारोबार में अजाफा और खुशी हासिल होने की निशानी है। अपने महबूब या प्यार को अकेला अपने पास या अपने घर आते देखना, ये खुशहाल होने, दिली मुराद पूरी होने, अमनो अमान पाने और रंजो गम के दूर होने की निशानी है। ख्वाब में अपने महबूब या प्यार को खुद अपने पास या अपने घर बुलाना या लाना, ये जज्बात बेकाबू होने, महबूब की खातर रंज सहने, दौलत में अजाफा और मकसद में कामयाब होने की दलील है। अपने महबूब या प्यार को अपने पास या अपने घर पर खाना खिलाना, ये बीमारी मुश्किलात के दूर होने, इज्जत मर्तबा बुलंद होने, दिली तमन्ना पूरी होने और दौलत वक़ार पाने की निशानी है। अपने महबूब या प्यार को किसी मकसद के तहत अपने पास या घर लाना, ये हकूमत या सरदारी पाने, मालदार होने, दिल की हसरत पूरी और फिक्रों से बचने की दलील है। ख्वाब में अपने महबूब या प्यार को किसी गाड़ी के जरिए अपने पास या अपने घर आते देखना, ये आराम और राहत पाने, घर आबाद होने, दिली मुराद पूरी, दौलत में अजाफा होने की दलील है। इसी तरह अपने महबूब या प्यार को उसके माँ बाप के साथ अपने पास या अपने घर आते देखना, ये वक़ार में अजाफा, खुशहाल होने, शादी होने, दौलत कसीर पाने और मकसद हासिल होने पर दलालत करता है। खामे अपने महबूब या प्यार को उसकी बीवी या बच्चों के साथ अपने पास या अपने घर आते देखना, ये इज्जत मर्तबा में कमी, घबराहट पाने और फिक्रमंद होने की दलील है। इसी तरह अपने महबूब या प्यार को बग़ैर किसी मकसद के अपने पास या अपने घर आते देखना, ये राज जाहिर होने, परेशान होने, मगर दौलत कारोबार में अजाफा होने की दलील है। अपने महबूब को पैदल अपने पास या घर आते देखना, जज्बात में अजाफा, कारोबार वसी, नेक नाम होने और मकसद हासिल होने की निशानी है। अपने महबूब को अपने पास या अपने घर आने पर इज्जत करना, ये बिगड़े काम संवरने, दिली मुराद पूरी, खुशहाल होने और मुश्किलात पर काबू पाने की दलील है। इसी तरह अपने महबूब को अपने पास अपने घर आते यानी कि आने पर इज्जत ना होना, ये फिक्र अंदेशा पाने, वक़ार में कमी और काम के अधूरा रहने की दलील है। ख़ाम में अपने महबूब को अपने पास या घर आने पर खुश होना, ये मालदार होने, हकूमत या सरदारी पाने, दिली मकसद पूरा और रंजो गम दूर होने की दलील है। और अगर आप यानी कि खुश नहीं होते तो ये महबूब की खातर रंज सहने, दौलत खर्च करने और राजों पर पर्दा डालने की दलील है। ख़ाम में अपने महबूब से अपने पास या अपने घर आने पर हरामकारी करना, ये जिल्लत पाने, हराम खाने, बेइज्जत होने और परेशान होने की निशानी है। अपने महबूब को किसी चीज़ को अपने पास या अपने घर लाते देखना, ये नेक नाम होने, हकूमत सरदारी, दिली मुराद पूरी और मालदार होने की दलील है। अपने महबूब को दुल्हा या दुल्हन के रूप में शादी के वास्ते आते देखना, ये दौलत बेशुमार, इज्जत मर्तबा बुलंद, शादी होने और अमनो अमान पाने की निशानी है। हो सकता है कि आपका ख्वाब इससे कुछ मुख्तलिफ हो, और अगर आप अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहते हैं इस वीडियो के नीचे अपना ख्वाब कमेंट करें। मेरी यही कोशिश होगी कि मैं जल्द अज जल्द आपको आपके ख्वाब की ताबीर के हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाह कर सकूँ।
तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।